जय गुरु। आ जाइए, एक और संडे हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 29, मृतक राम को पुनः जीवन दान। तो यहाँ पे हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो ये कि जो साधु संत महात्मा हैं, जो अपनी टीचिंग्स को बहुत हाई लेवल पे लेकर चले गए हैं, वो कुछ मिरेकल्स भी कर सकते हैं, कुछ चमत्कार भी कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। एक सुहानी सुबह श्री युक्तेश्वर जी श्री रामपुर के अपने आश्रम की बालकनी में बैठकर धर्म ग्रंथ सुन रहे थे। गुरुदेव के कुछ अन्य शिष्यों के अतिरिक्त मैं भी रांची के अपने छात्रों के दल के साथ वहां उपस्थित था। वे व्यक्ति के पुनः जीवित होने की बात सुना रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी लाजारस के पुनः जी उठने की विलक्षित कथा को आगे पढ़ते गए। अब ये लाजारस कि कौन सी कहानी है, ये इसके बारे में मैंने भी सर्च नहीं करी। आप में से कोई करे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुल मिला के ये एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसमें एक मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया गया। यह कहानी समाप्त हुई तो गुरुदेव लंबे समय तक मौन रहे। पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली रखी हुई थी। कुछ समय बाद वो युक्तेश्वर जी जो सुना रहे थे ना कहानी, मतलब कि वो फिर आगे अब खुद बोलने लगते हैं। कुछ समय मौन हो जाते हैं, फिर बोलते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। मेरे गुरु ने आखिर गहरे भक्ति भाव के साथ कहा, लाहिड़ी महाशय ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुनः जीवित किया था। अब ये देखो, एक बार ध्यान से पूरा सीन विजुअलाइज करो। जो योगानंद जी हैं वो अपने कई दोस्तों के साथ में बैठे हैं। युक्तेश्वर जी कोई किताब पढ़ रहे थे, उस किताब में कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें किसी व्यक्ति के मर जाने के जस्ट बाद में उसे जिंदा करने की एक चमत्कार प्रक्रिया बता रहे थे, मतलब कि किस तरीके से उसको जिंदा कर दिया किसी ने। ये पढ़ लेने के बाद में उन्होंने किताब जो है वो रख दी और अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं उन्हीं सब बच्चों को। जैसा होता ना, ये बुक मैंने पढ़ ली और अब मैं बैठ के कि हाँ हाँ ऐसा मैंने भी देखा है, जैसा इस बुक में लिखा है, वैसे ही वो युक्तेश्वर जी अब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सौभाग्य, ये चमत्कार देखने का मुझे भी मौका मिला। अब युक्तेश्वर जी के गुरु कौन थे? लाहिड़ी महाशय। तो अब ये लाहिड़ी महाशय के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि मेरा एक बहुत पक्का दोस्त था राम, है ना, और वो राम और मैं हमेशा एक साथ रहते थे। ऐसा ही एक चमत्कार देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। मेरे गुरु ने आखिर गहरे भक्ति भाव के साथ कहा, मेरे गुरु मतलब कि जो योगानंद जी हैं उनके गुरु, लाहिड़ी महाशय ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुनः जीवित किया था। गुरुदेव ने बताना शुरू करा, मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वह स्वभाव से बड़ा शर्मीला और एकांत प्रिय था, इसलिए हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय के पास वह केवल मध्यरात्रि और प्रभात के बीच के समय ही जाना पसंद करता था, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी। मतलब कि होता है ना, क्लास में भी कोई ऐसे शाय बच्चे होते हैं जो सबके सामने प्रश्न नहीं करते, चुप चुप पीछे पीछे शर्म में बैठ रहते हैं। तो ये कह रहे हैं वैसा ही वो था, जब हमारे गुरु के पास भीड़ कम होती थी तभी वो गुरु के पास जाता था, जब भीड़ ज़्यादा होती थी तो वो उनके पास नहीं जाता था। घनिष्ठतम मित्र होने के कारण मुझे वह अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव भी बताया करता था। उसके आदर्श संगत में मुझे प्रेरणा मिलती थी। मेरे गुरु के चेहरे पर पुरानी स्मृतियों के कोमल भाव छा गए। गुरुदेव आगे कहते गए, अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। उसे हैजा हो गया। हैजा एक बीमारी उस जमाने में होती थी, आजकल तो नहीं है। गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे, इसलिए दो विशेषज्ञों को बुला लिया गया। रोगी की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच मैं मन ही मन गहराई से लाहिड़ी महाशय की प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर जल्दी जल्दी मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। डॉक्टर राम को देख रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए मुझे कहा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र की रुग्ण छैया के पास लौट आया। देखा तो वो मरणासन्न था, मतलब बिल्कुल मरने जैसा हो रखा था वो। यह एक दो घंटे से अधिक नहीं जी सकता।
एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ मुझे बताया। फिर से मैं तुरंत लाहिड़ी महाशय के पास पहुंच गया, मतलब अभी तो वो होकर ही आए थे। और लाहिड़ी महाशय ने बोला, डॉक्टर देख रहे हैं ना, थोड़ा सा धैर्य रखो। ये वापस अपने दोस्त के पास आ गए, दोस्त को फिर से मरने जैसी हालत में देखा, प्लस डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, ये जिंदा नहीं रहेगा, तो वापस से चले गए अपने गुरु के पास। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने आनंद पूर्वक मेरी बात काट दी। मतलब ये कहने गए थे कि डॉक्टर ही कह रहे हैं कि वो मरने वाला है, तो ये बोले कि डॉक्टर जानते हैं, उनको कर लेने दो अपना काम। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी थी, हम जो कर सकते थे हमने किया, परंतु इसके बचने की कोई आशा नहीं है। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाहिड़ी महाशय के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते थे। मतलब इनको लग रहा था मेरे गुरुदेव तो कह रहे हैं बच जाएगा, और डॉक्टर कह रहे हैं मर जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे गुरुदेव झूठ बोल रहे हो। परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था, अब सब कुछ समाप्त हो गया। इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच डावाडोल मन से मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। अब ये राम जो है ये युक्तेश्वर जी के दोस्त हैं, तो ये अपने दोस्त को बोलते हैं, अरे युक्तेश्वर जाओ गुरु जी को बताओ कि मैं चला गया, मेरी अंत्येष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। निश्वास मतलब ये एक्सहेल करा और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी शैया के पास बैठा 1 घंटे तक रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय रही थी, अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने के लिए कहा, मतलब कि वो ये कह रहे कि उसकी डेथ हो गई थी लेकिन मैं अकेला छोड़ के गया नहीं, जैसे ही कोई और आया उसको उसके पास बिठाया और फिर मैं गुरु के पास गया। ये ऐसी स्टोरीज कितनी मज़ेदार लगती है ना। उस जमाने में तो हमारे पास ये तो था नहीं मोबाइल, जिससे कि बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स और अलग अलग स्टोरीज देख लें। तो जब भी कोई गुरु ऐसी कहानी बता रहा होता था ना, तो हम बड़े मतलब गुरु या दादी नानी, तो हमें बड़ा मज़ा आता था सुनने में, है ना। तब देखने अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने के लिए कहा। बेसुध सा मैं बोझिल कदमों से फिर से गुरुदेव के घर की ओर चल पड़ा। अब ये तीसरी बार जा रहे हैं ना। अब राम कैसा है, गुरुजी ने पूछा। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वो कैसा है गुरुदेव, मैंने भावुकता के आवेग में कह दिया। कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप ही देख लेना। मैं फफक कर रो पड़ा और वहां सबके सामने ही विलाप करने लगा। युक्तेश्वर अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव समाधि में चले गए। भोर के समय लाहिड़ी महाशय ने मुझ पर सांत्वनापूर्ण दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी अशांत हो, कल ही तुमने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया था कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो किसी दवा के रूप में। गुरुजी मजे ले रहे हैं ना। वो कह रहे तुमने कल ही क्यों नहीं बोल दिया कि है ना मुझे पक्का से पक्का राम जिंदा चाहिए। तो गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत दिया जिसमें अरंडी का तेल था। वह बोले, किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंदे डाल देना। मैंने प्रतिवाद सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव वह कल दोपहर से मृत पड़ा है, अब इस तेल से क्या लाभ। उसकी चिंता मत करो, केवल मैं जो कह रहा हूं वह करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी तक शोक की भीषण वेदना से व्यथित था। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम के घर की ओर चल पड़ा। मेरे मित्र का शरीर मृत शरीर सख्त हो गया था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से, यानी इस वाली उंगली से,
उसके होंठ खोले और बाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगा। मतलब कि जब जब डेथ हो जाती है तो दांत भी ऐसे चिपक से जाते हैं। तो कह रहा है कि मैं फिर भी वो बूंदे डालने लगा। जैसे ही सातवीं बूंद ने उसके ठंडे होंठों का स्पर्श किया, राम का शरीर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रही और वह आश्चर्य करता हुआ उठकर बैठ गया। मैंने प्रखर प्रकाश में लाहिड़ी महाशय को देखा, वह चीख पड़ा। अब वो जो राम है ना, वो चीख रहा है, अरे अरे, मैंने रोशनी में लाहिड़ी महाशय को देखा। वह सूर्य की भांति चमक रहे थे। उठो, निद्रा त्याग दो, उन्होंने मुझे आदेश दिया। युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। अब वो कि राम जो है ना, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को गुरुजी दिखे और उन्होंने बोला कि चलो उठ जाओ, नींद से बाहर आ जाओ और अपने दोस्त के साथ मेरे से मिलने आओ। जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते हुए देखा तो उसमें मरना बरनाटक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की और चलने की शक्ति आ गई तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। ऐसा आपके हमारे सामने भी हो जाए ना तो हम भी हैरान हो जाए। वो कह रहे कि उसने यूं बोला कि चल अपन दोनों गुरुजी के पास चलते हैं। तो ये कह कि मैं तो ऐसे सुन्न सा बैठा रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि वो तो कपड़े पहन रहे हैं चलने के लिए और उसमें इतनी पावर भी आ गई, नहीं तो एक बीमार व्यक्ति जब उठता है तो उसमें तो घर के अंदर चलने जितनी शक्ति होती है, तो फिर उसमें इतनी पावर भी आ गई कि वो गुरुजी से मिलने के लिए रेडी होने लगा, तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ मुझे। वहां पहुंचकर राम ने लाहिड़ी महाशय को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। 1895 में, 1895 में लाहिड़ी महाशय ने देह त्याग कर दिया। 1945 में उनके देह त्याग के 50 वर्ष पूरे हुए। उसी वर्ष यह पुस्तक भी पूरी हुई। मतलब कि 50 साल बाद में ये, मतलब कि उनकी डेथ के 50 साल बाद में ये घटना वो इस किताब में लिख रहे हैं, मतलब किताब पूरी हुई। यह संयोग देखकर मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता था कि 1945 के वर्ष के साथ ही क्रांतिकारी आणविक शक्तियों का नया युग भी प्रारंभ हो गया। लाहिड़ी महाशय के अतीत की कहानी कुछ इस प्रकार रही। अब ये लाहिड़ी महाशय की छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं। श्री गौर मोहन लाहिड़ी घुरनी को गौर मोहन लाहिड़ी घुरनी को छोड़कर सपरिवार काशी में जा बसे। वहां उन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना करी। हाइक धर्म के अनुसार रोज पूजा पाठ, दान धर्म, शास्त्राध्ययन आदि उनके घर में होता था। वे न्यायपरायण तथा उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। आधुनिक विचारधारा की उपयोगिता की वे अवहेलना नहीं करते थे। मतलब अपने पुरानी जो नॉलेज है धर्म की, शास्त्रों की, वो तो रहती थी, बट कुछ कुछ नई टेक्नोलॉजी या कुछ भी आता था तो उसको भी वो मानते थे। बालक लाहिड़ी ने काशी की पाठशालाओं में हिंदी और उर्दू की पढ़ाई करी। उन्होंने जय नारायण घोषाल के विद्यालय में संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच तथा अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त की। वेदों का वे गहरा अध्ययन करते थे और विद्वान ब्राह्मणों की शास्त्र चर्चाओं को मन लगाकर सुनते थे। इन विद्वानों में एक महाराष्ट्रियन पंडित श्री नाग भट्ट भी थे। श्यामचरण दयालु विनम्र और साहसी बच्चा था जो अपने सभी साथियों में अत्यंत लोकप्रिय था। उसका शरीर सुडोल, स्वस्थ तथा बलिष्ठ था। तैराकी तथा शारीरिक पटुता के अनेक कार्यों में वह निपुण था। सन 1846 में श्री देवनारायण सन्याल की सुपुत्री काशीमणि के साथ श्यामाचरण लाहिड़ी का विवाह हुआ। काशीमणि देवी एक आदर्श भारतीय गृहिणी थी जो अपने गृह कर्तव्यों का और अतिथि सेवा तथा दरिद्र नारायण सेवा के अपने गृहस्थ धर्म का प्रसन्नता पूर्वक पालन करती थी। इस विवाह युक्ति से 3 कोड़ी और 2 कोड़ी नाम के संतवत पुत्रों तथा 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। 1851 में 23 वर्ष की आयु में लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में लेखपाल के पद पर नियुक्त हुए। मतलब इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी। अपने सेवा काल में अनेक बार उनकी पदोन्नति भी हुई। इस प्रकार न केवल ईश्वर की आंखों में ही वे सिद्ध पुरुष थे, बल्कि इस छोटे से मानवीय नाटक में भी, जिसमें वे साधारण ऑफिस कर्मचारी की भूमिका अदा कर रहे थे, उन्होंने सफलता प्राप्त की थी।
मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग ने भिन्न भिन्न समय पर गाजीपुर, मिर्जापुर, नैनीताल, दानापुर तथा वाराणसी में उनका स्थानांतरण किया। पिता की मृत्यु के बाद युवा लाहिड़ी महाशय ने पूरे परिवार का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। परिवार के लिए उन्होंने काशी में भीड़भाड़ से दूर गरुड़ेश्वर मोहल्ले में एक घर खरीद लिया। लाहिड़ी महाशय के जीवन के 33वें वर्ष में उस उद्देश्य की पूर्ति हुई जिसके लिए उन्होंने इस धरती पर पुनः जन्म लिया था। मतलब शुरू में तो वो जो दैनिक जो भी होता है कि यहाँ पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, तो कह रहे 33वां वर्ष जब था तब उन्हें उस उद्देश्य की पूर्ति हुई जिसके लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया था। हिमालय के रानीखेत के पास उनकी भेंट अपने महान गुरु बाबा जी से हुई और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली। तो जी, हमने दू कोड़ी और तीन कोड़ी जो इनके बच्चे हैं उनके बारे में भी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा। जो महावतार बाबा जी हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से, अच्छा उनके बारे में शायद आगे आएगा कि किस तरीके से लाहिड़ी महाशय को उन्होंने शिक्षा दी और ये क्रिया योगा की जो टीचिंग्स हैं वो अब इस जमाने में आपके और हमारे पास पहुंच चुकी हैं, और हम चाहें तो जब कभी भी इनका जो स्कूल है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, वहां पे ये शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं। तो जी, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय गुरु।